ये देखो गाइस कितनी बड़ी केला। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज घर पे सब काम चालू था, सब फर्टिलाइजर छोड़ने थे खेत के लिए, तो इधर अपने व्हील पे आया था, देखो कुएं पे आया था। इधर से हमको छोड़ना है, ये अपना टैंक है फर्टिलाइज़र का, इसमें एसिड लाया था, इसमें एसिड डाला और इस नली के नीचे साइड से डायरेक्ट मोटर को अटैच किया इधर से। देखो गाइस, हमने इस नली को डायरेक्ट मोटर है, इधर नीचे मोटर है, या फिर उसका जो पाइप रहता है उसको अटैच किया है, और ये फिल्टर है इधर, और इधर से ऊपर का ही है पाइपलाइन अपनी। तो सब काम हो चुका है। इधर मैंने एसिड छोड़ दिया है, एसिड कौन सा, फॉस्फोरिक एसिड छोड़ा है, केलियों को जो अपनी केली की खेती है उसको भी छोड़ा है, और फूल की खेती है उसको भी छोड़ा है। तो हम जाने वाले, ये ट्रैक्टर चल रहा था हमारा ऊपर सीताफल में, तो सीताफल में जाएंगे, उधर देखेंगे कितना हो गया है। रोटर चालू था उधर, रोटर देखना है अपना कितना काम हो चुका है उधर, तो चलो उधर निकलते है। तो गाइस देखो, ये अपना फार्म रेडी है, अपने सोयाबीन था इधर। तो गाइस अब हम आ चुके हैं अपने सीताफल के बगीचे में, तो आप देख सकते हो कि सब इधर भी सब काम हो चुका है। रोटावेटर लाया था पहली, उसके फन्नी मारी थी, नांगर बोलते हैं, और उसके बाद रोटावेटर लाया था, उससे वो मिट्टी सब मिक्स हो गई, और कुछ भी ग्रास होगा उसके भी वो भी मिक्स हो चुके हैं सब, तो छोटे छोटे टुकड़े हो गए ये। देखो कैसा साफ दिख रहा है, ऊपर के ऊपर भी दिखा दो, ये देखो गाइस सब साफ हो चुका है। अब इसको सीताफल आना चालू हो जाएंगे, इसलिए तैयारी चल रही है। कुछ जगह पे सीताफल भी आया होगा, आपको दिखाता हूँ। तो देखो गाइस सीताफल भी आ चुके हैं, इधर सब सीताफल भी आ चुके हैं। बहुत बड़ा बगीचा है, ये साफ हो चुका है अच्छी तरह से। देखो ये सब ग्रास था, इधर सब साफ हो चुका है, और हमारा इधर का काम भी होने वाला है, तो हम निकलते हैं। मैं पैदल ही हूँ, मेरे पास गाड़ी भी नहीं है आज, इसलिए मैं खेती में से जा रहा हूँ आज, अपने देख के क्या क्या काम होगा है। तो चलो अपने फूल के बगीचे में चलते हैं। ये देखो गाइस कैसा बगीचा, कैसा दिख रहा है सीताफल का, इसके नीचे भी प्लॉट है गाइस। आप ये देख सकते हो कि आप कुकुम्बर के बगीचे में आ गए, अपना नहीं ये बाजू का है, पर इधर से शॉर्टकट से जा रहा था खेती में से, आपको दिखाने के लिए इधर आया था। देखो ककड़ी कैसे तारों पे डाली है, ये पहले ग्रेप्स का बगीचा था, ग्रेप्स का सब यूज किया है तारों का, और सब देखो कितने अच्छी तरह से ककड़ी आई है, ये देखो डैमेज नहीं होती, ज़्यादातर अच्छी आती है, मिट्टी से नहीं ज़्यादा ख़राब होती, इसलिए देखो गाइस कितने अच्छी तरह से बगीचा है ये, तो देखो। तो चलो गाइस आप निकलते हैं अपने फूलों के बगीचे में, इधर ऊपर ही है, और इधर भी फूल है उनके, और अपना बगीचा ऊपर है उसके। तो गाइस मैं अपने फूलों के बगीचे में आ चुका हूँ, ये देखो गाइस अपना फूलों का बगीचा, सब लाल लाल दिख रहा है, ऑरेंज ऑरेंज। देखो गाइस ये बीच में ये रखा है, स्पेस रखी है, क्योंकि इधर लगाने वाले थे पर नहीं लगाए, क्योंकि ट्रैक्टर होगा, ट्रैक्टर उस साइड से इधर लाने के लिए लगता है, इसलिए इधर बीच में नहीं लगाया, ट्रैक्टर के लिए रखा है। और इधर पाइप डाला है, पाइप को भी ढक दिया है हमने, देखो ये बीच में पाइप रखा है, ये बीच में की लाइन है, ये निकलने वाले है बाद में, इसलिए इसको इस लाइन को ज़्यादा फोकस नहीं किया, मतलब पाइप लाइन वगैरह ठीक से नहीं डाली, जो इस एंगल के लाइन में है, इस एंगल के उसको नीचे से ही पाइप लाइन है, ये परमानेंट है, ये इसको कभी निकालते नहीं आएगा, ये निकाल सकते हमने तय किया कि ये निकालना है तो निकाल सकते हैं, पर ये ज़्यादातर नहीं निकल सकते, वे परमानेंट हो गए। देखो गाइस आप बीचों बीच खड़ा हूँ मैं, इधर भी है बहुत दूर तक, अब इधर से घर के लिए जाना है, इसलिए इधर से जाना पड़ेगा,
ये देखो अपना उसको काफरी गोंडा कहते हैं, काफरी का वैरायटी है इसकी। और इसके बीच में भी डाली में अनारे और बैंगन भी लगाया है इसके बीच में। देखो इंटरक्रॉप टाइम बचाया है यहाँ ज़्यादातर। उसके बाद में इसके बीच में भी और एक क्रॉप निकलेगा। गाइज ये इंसेक्ट बहुत खुजली आती है इससे, इसको हाथ लगाए तो इसको हेयर है ऊपर से, देखो ये देखो इसको हेयर है, उसको हाथ लगाए तो बहुत खुजली आती है, इसलिए इससे सावधान रहना पड़ता है। गाइज अब मैं खेती के प्लॉट में आया था देखने के लिए कि पानी सुबह से चालू था वो ठीक से पहुँचा या नहीं, और उसको फर्टिलाइज़र भी छोड़ा था तो उसको ही देखने आया था। तो आप देख सकते हो कि कैसे अच्छी तरह से पानी गया हुआ है, और केली भी है देखो। और गाइस रात के समय ज़्यादा अंदर नहीं जाते क्योंकि इधर उसके बाजू में गन्ना है और इधर केली, इसलिए इधर शेर है, बहुत बार देखा है इसलिए आज ज़्यादा अंदर नहीं जाने वाली। ये देखो गाइस कितनी बड़ी केला। तो चलो अपन निकलते हैं। तो चलो गाइस तो अब निकलता हूँ, दिन भी चला गया है, सब डेली प्रैक्टिस हो चुका है खेती के। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, तब तक के लिए बाय।